नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर किस तरह से DSC की जो है सेटिंग की जाए। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आप सभी के द्वारा कहा जा रहा था कि एक DSC सेटिंग पर वीडियो जरूर बनाया जाए, तो दोस्तों अधिकतर लोगों को आता होगा, यदि आता है तो भी ठीक है। मैं बिल्कुल जो जीरो से सीखना चाह रहे हैं, कई बार होता है कि हमारा कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाता है या फिर हम नए कंप्यूटर पे बैठते हैं, तो हमें किस तरह से हम पूरी DSC की सेटिंग करें जिससे कि हमारा पेमेंट हो सके, पेमेंट वाउचर बन सके, उसका पेमेंट हो सके और वेंडर अप्रूव हो सके, जितने भी DSC काम है वो आसानी से हो सके। ठीक है, तो चलिए हम जीरो से सीखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ई ग्राम स्वराज डॉट जी ओ वी डॉट इन पोर्टल ओपन कर लेंगे। ठीक है, गूगल क्रोम में किसी ब्राउजर में ई ग्राम स्वराज डॉट जी ओ वी डॉट इन, चलिए हमने गूगल क्रोम में टाइप किया, गूगल सर्च में टाइप किया ई ग्राम स्वराज डॉट जी ओ वी डॉट इन, ई ग्राम स्वराज पोर्टल इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, इसके पहले ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि यह सबसे अच्छा जो वर्क करता है वो है विंडोज 10 में, जो विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम 10 है, विंडोज 10 उसमें काम करेगा। आपको विंडोज 10 इंस्टॉल होना जरूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम, यदि नहीं है तो आप इंस्टॉल करवा लें विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद दोस्तों वो भी 64 बिट वाला होना चाहिए। ठीक है, 64 बिट का विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवा लें। उसके बाद हम कहाँ क्या करेंगे, ई ग्राम स्वराज डॉट जी ओ वी डॉट इन पोर्टल गूगल सर्च में डाल देंगे, इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सीधा हम स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, तो यहाँ आप देखेंगे ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो लिखा है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स से आपको दिख रहा होगा जैसे ही आप नीचे आते हैं। यहाँ दोस्तों इसमें हमें सीधे चलना है रिक्वायरमेंट्स ऑफ ई ग्राम स्वराज PFMS इंटीग्रेशन ऑफ फॉर FFC स्कीम। ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ई ग्राम स्वराज और PFMS इंटीग्रेशन की। ठीक है, ई ग्राम स्वराज और PFMS दोनों के कॉम्बिनेशन इंटीग्रेशन की, जिससे कि पेमेंट हो सके। अब इन्हें यहाँ भी फॉर FFC स्कीम लिखा है, मतलब ये जब स्टार्टिंग हुई थी तो 14 फाइनेंस कमीशन के लिए था, इसलिए FFC स्कीम लिखा। बाकी यही सेटिंग जो रिक्वायरमेंट है वही हर स्कीम के लिए, ठीक है, 14 फाइनेंस कमीशन हो या 15 फाइनेंस कमीशन हो, सभी के लिए। तो दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर में जगह पूछेगा सेव करने के लिए, तो आप जगह जो भी ड्राइव में देना चाहे दे दें और ओके पर क्लिक कर दें। तो ये कुछ 200 250 MB की, 252 MB करीब की फाइल है, वो डाउनलोड हो जाएगी, जिप फाइल है। ठीक है, तो जिप फाइल है। अच्छा, इसके लिए आपके जो कंप्यूटर में है जिप का जो सॉफ्टवेयर है वो भी अपलोड होना जरूरी है, जिप या जार फाइल वाला जो सॉफ्टवेयर रहता है वो आप डाउनलोड सिंपली कर सकते हैं गूगल से में सर्च कर कर कि फ्री जिप, दोस्तों इस तरह सिंपली सर्च कर सकते हैं फ्री जिप सॉफ्टवेयर। तो इसमें दोस्तों कई तरह के आपको जिप है, 7 जिप करके भी है, विन रार करके भी है, आपको देखा होगा आपने, विन जिप फ्री है ना, ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर आप कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं, विन आर रार डाउनलोड कर सकते हैं, सबसे बढ़िया है दोस्तों ये, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर है, सिंपली डाउनलोड करना है और नेस कर करके इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये जरूर डाउनलोड करके रख ले, इसके बाद ही ये फाइल जो है आपकी ओपन हो पाएगी। ठीक है, तो ये यदि मैं है तो ये भी दिखा देता हूँ आपको, विनरार आप डाउनलोड करेंगे तो ये भी सेव हो जाएगा आपके पास। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ दिखने लग गया विनरार फाइल, आपको क्या करना है, ये डाउनलोड फॉर विंडोज़ लिखा है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा, फिर हमें वहाँ से इंस्टॉल करना है, चलिए मैं करता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए विनरार इस तरह से डाउनलोड हो जाती है फाइल, इसको फिर हमें इंस्टॉल भी करना पड़ता है। तो हर चीज़ का एक सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, ऐसा कि आप सभी को पता है, और सॉफ्टवेयर के बाद ही हम किसी भी चीज को ओपन कर पाते हैं। यस पर क्लिक करके हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, ये देखिए इस तरह से जाएगा इंस्टॉल का, हम इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे, ये अपने आप इंस्टॉल होने लगेगा, हमें थोड़ा इंतजार करना है, फिर ओके पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल सी प्रोसेस है, विनरार फाइल यहाँ लिखा जाए, थैंक यू फॉर यूज विनरार, और हम डन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ आ भी जाएगा ये पूरा आपको लिखा हुआ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से विंडार फाइल हम डाउनलोड कर सकते हैं, अधिकतर कंप्यूटर में पहले से डाउनलोडेड रहती है, यदि नहीं है तो हमें डाउनलोड जरूर करना पड़ेगा। अब ये हमने जो ये क्लिक किया रिक्वायरमेंट्स ऑफ ई ग्राम स्वराज PFMS इंटीग्रेशन फॉर FFC स्कीम, इस ये अब जाके ओपन हो जाएगी जिप फाइलें, जो कि आप ये देखिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन होने लगेगी,
ये देखिए इस तरह से ओपन हो जाएगी। हम इसके ये एडवर्टाइजमेंट को क्रॉस करते हैं, यहाँ इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स आप ये लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें सारी चीज़ें दिखने लगी। हम यहाँ से भी कर सकते हैं यदि हम यहाँ से चाहें तो यहाँ, नहीं तो मैं आपको फोल्डर में दिखा देता हूँ, हम एक्सट्रैक्ट भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि यहीं से इंस्टॉल करना है तो हम सीधे यहाँ से कर लेंगे। किस तरह से कर लेंगे हम, ये देखिए, ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर आपको दिखेगा JDK, मतलब जावा की सेटिंग है, JDK 8U191 इस तरह से दिखेगा विंडोज़। तो ये दोस्तों जो एप्लीकेशंस है हमें ये है सबसे पहले इंस्टॉल करना है, ठीक है, जावा इंस्टॉल करना है JDK। तो इस पर हम डबल क्लिक करते हैं, जैसे करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट होने लगेगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे इसको, जब मैंने डबल क्लिक बताया तो इस तरह से एक्सट्रैक्ट होगी, थोड़ी देर हमें वेट करना होगा। ठीक है, तो ये इंस्टॉल शुरू हो गया है दोस्तों। हमें कुछ इंतजार के पश्चात आगे नेक्स्ट करना है, मैं बताते जाता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से लिखा जाएगा जावा एसी डेवलपमेंट किट, इसके बाद हमें सिर्फ नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है और इंस्टॉल होने लगेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से एक्सट्रैक्टिंग इंस्टॉलर होने लगेगा और ये इंस्टॉल होने की प्रक्रिया चलती रहेगी और हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से आपको दिखने लगेगा, जावा ऐसी डेवलपमेंट किट जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सीधे क्लोज पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों हमें, अब सीधे हम चलेंगे रूट CA डॉट CRT फाइल पर, ठीक है। ये आपको दिख रहा है रूट CA.CRT फाइल, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, जैसे करेंगे तो ये भी एक्सट्रैक्ट होगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर लिखा आएगा इंस्टॉल सर्टिफिकेट, तो हमें क्या करना है, ये इंस्टॉल सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। ये मैंने करा क्लिक, यहाँ हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट, फिर फिनिश, ठीक है। थोड़ी देर के इंतजार के पश्चात यहाँ लिखा जाएगा इंस्टॉल हो चुका है, ये था इम्पोर्ट वाज सक्सेसफुल। हम ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ फिर ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम क्या क्या कर चुके हैं, एक तो JDK 8U191 विंडोज़ ये डाउनलोड कर चुके हैं, मतलब इंस्टॉल कर चुके हैं, जावा फाइल इंस्टॉल कर चुके हैं, रूट CA सर्टिफिकेट को इंस्टॉल कर चुके हैं। अब दोस्तों हम यहाँ चलेंगे DSCSigner.exe, मतलब DSCSigner जो है इसको अब हमें इंस्टॉल करना है। इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये एक्सट्रैक्ट होगी फाइल। अब दोस्तों इस तरह से जाएगा, हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर ओके पर क्लिक करना है, यस नेक्स्ट इंस्टॉल, और इस तरह से दोस्तों कंप्लीट DSC सर्विस सेटअप हो जाएगा। इसके बाद इस तरह से DSC साइनर का जो है मैनुअल भी आ जाएगा, अभी मैनुअल भी पढ़ सकते हैं यदि पढ़ना चाहें तो। इसके बारे में पूरी जानकारी रहती है PDF रूप में, क्या जो DSC साइनर के बारे में किस तरह से इंस्टॉल करना वो हमने देख चुके हैं, तो वही मैनुअल भी रहता है, ठीक है। अब हम दोस्तों सीधे चलेंगे फिर से एक्सट्रैक्ट फाइल फोल्डर पर। तो यहाँ देखिए हमने क्या क्या इंस्टॉल कर लिया, जावा कर लिया, JDK जावा कर लिया, और रूट CA सर्टिफिकेट कर लिया, और DSC साइनर कर लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हमारी DSC लगाएंगे, ठीक है। चलिए हम सचिव महोदय की DSC को यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। जैसे ही हम दोस्तों DSC लगाएंगे तो हमारे सामने जो DSC का है यहाँ इस तरह से मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, जैसे यहाँ हमें अपडेट करने के लिए भी मांगा जाता है, तो हम अपडेट भी कर सकते हैं। और हम दोस्तों यहीं से चाहें तो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ आपको अब DSC का जो है ये देखिए साइन दिख रहा होगा, यहाँ साइन में हम क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने क्लिक किया, तो दोस्तों मैं जो है ई पास टोकन जो है अपडेट कर चुका हूँ, तो इस तरह से दिख रहा है। आप यदि आपके उसमें अपडेट है तो ठीक है, नहीं अपडेट तो आप अपडेट कर लें, तो उसके बाद इस तरह से दिखेगा। और भी अपडेट करना चाहते हो तो अब यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन यहाँ आ रहा है, तो आप इस अपडेट पर क्लिक कर देंगे। ये नया वर्ज़न हो गया है दोस्तों अपडेट का, पुराना वर्ज़न आपको ब्लैक कलर का दिखता था, तो ये चूंकि मैंने अपडेट कर चुका हूँ तो यह लिखा आ रहा था करेंट वर्ज़न इज़ द लेटेस्ट वर्ज़न, ठीक है। आप इसको अपडेट ज़रूर करें, अभी ये नया अपडेटेड वर्ज़न है, तो इसलिए इस तरह से आपको शो हो रहा है। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जब DSC सर्विस सेटअप विजार्ड हो जाए तो इसको फिनिश पर ज़रूर क्लिक कर दें, ठीक है। तो इस तरह से लिखा हुआ आएगा। अब दोस्तों जो हमारे सॉफ्टवेयर थे वो सब इंस्टॉल हो चुके हैं, सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। अब हम सीधे चलते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र पर। इसमें हम दोस्तों अब चलेंगे गूगल क्रोम में, हमें क्या टाइप करना है ये देख लेते हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं दोस्तों, ये बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ें हैं, तो हम यहाँ टाइप करेंगे
तो दोस्तों यहाँ यह यूआरएल में हमें क्रोम स्लैश और फ्लैक्स टाइप करना है। क्रोम कैसे लिखेंगे, CHROME ठीक है, ऑब्लिक और डबल स्लैश फ्लैक्स FLAGS ठीक है, इतना लिखना है दोस्तों। इसके बाद हमें एंटर पर क्लिक कर देना है। ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ इस तरह से स्क्रीन आने लगेगी। धीरे से थोड़े से इंतजार के पश्चात आपको इस तरह से दिखने लगेगा एक्सपेरिमेंट्स और ये पूरा आपको चीज़ें आएंगी। अब हम आप यहाँ पर धीरे धीरे करके नीचे लाएं और इसमें आपको देखना है दोस्तों अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट्स फॉर रिसोर्स लोडेड फ्रॉम लोकल होस्ट ठीक है। हम नीचे इसको होते आते हैं। आपके पास दोस्तों सर्च बॉक्स जो बॉक्स में अलाउ ALLOW इनवैलिड टाइप करेंगे, INVALID अलाउ इनवैलिड, तो ये आपको सामने देखने लगेगा अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट्स फॉर रिसोर्सेज लोडेड फ्रॉम लोकल होस्ट ठीक है। अब इसमें दोस्तों यहाँ क्या लिखा है, डिसेबल्ड है ना, तो हमको इसको क्या करना है, इनेबल्ड करना है ठीक है। इनेबल कर दिया, डिसेबल को क्या करना है, इनेबल करना है। केवल ये सर्च कर लेना अलाउ इनवैलिड, इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा और इसको आपको इनेबल्ड करना है ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ये सब क्लोज कर देना है पूरी चीज़ें जो गूगल क्रोम और सब, और एक बार कंप्यूटर क्या करना है, रीस्टार्ट कर लेना है ठीक है। तो दोस्तों हम सब क्लोज करके कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों ये सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं तो वो प्रॉपर काम करने के लिए हमें कंप्यूटर को एक बार बंद जरूर करना पड़ता है, तो हम कंप्यूटर को शट डाउन करके फिर से वो रीओपन कर लेते हैं। दोस्तों अब हम कंप्यूटर रिस्टार्ट कर चुके हैं, अब हम DSC लगाते हैं। सचिव महोदय की ये DSC लगाई हमने, तो अब जो है पूरा जो सॉफ्टवेयर अपडेट है बढ़िया हमारा इस तरह से आएगा। यहाँ लिखा भी आता है, पिन भी चेंज कर सकते हैं चाहें तो यस से। अभी हम पिन चेंज नहीं करते, मैं आपको आगे वीडियो में पिन चेंज करना भी बता दूंगा। अभी नो पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये देखिए आप नीचे टास्क बार में जैसे ही आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको येलो स्क्रीन में इस तरह से बॉक्स करके दिखाया, यहाँ लिखा आएगा DSC साइनर स्टेटस रनिंग ठीक है, स्टेटस रनिंग आएगा, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम क्या करते हैं, क्लिक करने की जगह राइट साइन से राइट क्लिक कर इसमें सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है सेटिंग्स, तो हम सेटिंग्स पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर एक न्यू विंडो आ जाएगी। ये देखिए लिखा रहा है DSC साइनर सेटिंग है ना, इफ़ DSC टोकन इज नॉट लिस्टेड बिलो सेलेक्ट कस्टम एंड प्रोवाइड पाथ टू द ड्राइवर। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ से पाथ इसका डिसाइड करना है ठीक है, क्या पाथ रहेगा, वो टोकन ड्राइवर किस तरह से रहेगा, पाथ हमें क्या डिसाइड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या पाथ रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसलिए इसको आप जरूर याद कर लेना, लिख के भी रख सकते हैं आप। यहाँ क्लिक करेंगे आप, इसके बाद आपको यहाँ जाना है सी ड्राइव में ठीक है। यहाँ सीधे हम कौन सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव में है ना, क्योंकि सी ड्राइव में हमारा क्या रहता है, विंडो इंस्टॉल रहता है, तो जो सेटिंग भी है वो हमें सी ड्राइव के अंदर विंडो के अंदर करना है। सी ड्राइव में जाने के बाद दोस्तों हम सीधे जाएंगे विंडोज़ पर, ये विंडोज़ पर गए ठीक है। इसके बाद इसको ओपन कर देंगे, विंडोज़ के बाद System32 आपको क्लिक करना है। System32 देख लें आप, इधर स्क्रॉल करके आ जाएँ भले ही, ये देखिए मैं इधर ला रहा हूँ, तो ये देखिए दोस्तों System32 आ गया है। अब इसको ओपन करना है, इसको ओपन करने के बाद हमें एक फाइल टाइप करना है दोस्तों, DLL फाइल है, तो वो फाइल डाउनलोड करना, तो उसका नाम मैं एक बार बोल लेता हूँ, अच्छे से लिख भी लेना, तो इसका नाम है दोस्तों EPS2003CSP11V2.DLL ठीक है। फिर से बोल दूँ, आप लिख भी सकते हैं दोस्तों आसानी से, तो ये फाइल है EPS2003CSP11V2.DLL ठीक है। तो ये दोस्तों मैं इसको एक बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको लिख के दिखा भी देता हूँ, तो आप पॉज करके अच्छे से लिख भी सकेंगे। तो ये देखिए दोस्तों आप इस तरह से देख सकते हैं EPS2003CSP11V2.DLL बिल्कुल इसी तरह से हमें टाइप करना है ठीक है। अब हम ये टाइप करा, इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, ये टाइप कर दिया पूरा, ये हम System32 के अंदर ये टाइप कर दिया है। अब हम ओपन पर क्लिक कर देंगे, देखिए हमने ओपन पर क्लिक कर दिया, तो क्या होगा, टोकन ड्राइवर की ये पूरी सेटिंग हमारी यहाँ पर लिखा गई है ठीक है। इसके बाद हम सीधे सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए मैं सेव पर क्लिक करता हूँ, तो लिखा जाएगा यूअर ड्राइवर सेलेक्शन वॉज सेव्ड सक्सेसफुली, प्लीज रिमूव एंड रिकनेक्ट द USB टोकन टू री इनिशलाइज
ठीक है, मतलब आपका ड्राइवर जो है पूरी सेटिंग जो है वो सेफ्टी सक्सेसफुली हो चुकी है। अब आप फिर से जो है आपने जो डीएससी लगाई उसको निकाल लें, और मेरा सबसे अच्छा मानना है दोस्तों कि डीएससी भी निकाल लें और एक बार फिर से कंप्यूटर रीस्टार्ट कर लें, और अब जो है आपकी डीएससी लगना शुरू हो जाएगी। हम एक वेंडर फाइल को अप्रूव कर कर भी यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। चलिए मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, एक बार कंप्यूटर को रीस्टार्ट करता हूँ। जैसे ही हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे फिर से, तो दोस्तों हमारे सामने सबसे पहले जो प्रूफ रहेगा कि हमारी डीएससी साइनर जो है इंस्टॉल हो चुका है, उसका सबसे बड़ा प्रूफ रहेगा कि आपको इस तरह से स्क्रीन आएगी। डॉस में ऐसा लिखा आएगा कि स्टार्टिंग डीएससी साइनर, प्लीज़ वेट, वेटिंग फॉर 0 सेकेंड्स, प्रेस अ की टू कंटिन्यू। तो ये दोस्तों बस विद इन सेकेंड आता है, 4-5 सेकेंड के लिए, और अपने आप हट भी जाता है। इसका मेन मकसद ये है कि हमारी जो है डीएससी साइनर है वो प्रॉपर काम करने लगा है, ठीक है, और स्टार्ट हो रहा है ना। फिर हम इसको क्रॉस कर सकते हैं या ये अपने आप भी चले जाता है। इसके बाद हमारा जो है काम है डीएससी साइनर का, वो मतलब स्टार्टिंग डीएससी साइनर हो जाता है और डीएससी साइनर फिर रनिंग होने लगता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हमेशा एक, जब भी आप कंप्यूटर ओपन करेंगे तो एक डॉस जैसी स्क्रीन आएगी ब्लैक में, उसमें डीएससी साइनर की स्क्रीन रहती है, मतलब हमारा डीएससी साइनर प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। वो स्क्रीन आप जैसे ही ओपन होता है आपका कंप्यूटर आती है, उसके बाद आप वेबसाइट ओपन करें और इसके बाद ही आप डीएससी लगाएं। चलिए मैं लॉग इन कर कर एक मेकर लॉग इन सर आपको वेंडर अप्रूव भी करके बता देता हूँ, ठीक है। हम लॉग इन करते हैं, ये लॉग इन कर दोस्तों हम ईग्राम स्वराज पोर्टल के होम स्क्रीन पर आ गए हैं। अब हम दोस्तों इससे पेमेंट वाउचर पर भी साइन कर सकते हैं और जो है वेंडर अप्रूव भी कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ से डीएससी मैनेजमेंट, मैंने एक वेंडर को अप्रूव करना है तो हम यहाँ क्लिक करते हैं साइन अप्रूव्ड वेंडर फाइल। ये मैंने क्लिक किया तो ये देखिए दोस्तों यहाँ लिखा आ गया साइन अप्रूव वेंडर फाइल, यहाँ से सेलेक्ट करना है। व्यू से हम वेंडर का को देख भी सकते हैं, यहाँ से पूरी चीज़ें वेंडर की सही है या नहीं। इसके बाद यहाँ अप्रूव पर क्लिक करें, अब हमें क्लिक करना है अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर, ये मैंने क्लिक किया दोस्तों। इसके लिए जो सचिव महोदय की डीएससी रूल लगा लें उसके बाद हम यहाँ करेंगे, तो ये अप्रूव पर क्लिक किया हमने और अब अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ एंटर टोकन पासवर्ड आ गया है, आपका जो 8 अंकों का पासवर्ड है वो आ गया है। जब हमने टोकन पासवर्ड लिखा इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सर्टिफिकेट उस पर साइनिंग आएगा और यहाँ पर कंफर्म साइनिंग, तो हम अब किस पर क्लिक करेंगे, कंफर्म साइनिंग पर। ये देखिए मैंने क्लिक किया तो कुछ चरणों के इंतजार के पश्चात ही दोस्तों लिखा गया वेंडर फाइल अप्रूव्ड एंड साइंड सक्सेसफुली, अब हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों ये हमने जो डीएससी की पूरी सेटिंग आज देखी किस तरह से सेटिंग करना है। इसके बाद भी दोस्तों यदि आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें और मैं आपको उसमें पूरी मदद करूंगा, कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। बहुत आसान सेटिंग है जो मैंने पूरे वीडियो में आपको शुरू से आखिरी तक बताई, आप आसानी से कर सकते हैं। जब भी नए कंप्यूटर पर आप काम करने जा रहे हैं या आपका कंप्यूटर फॉर्मेट हो चुका है तो आपको इस सेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही। इसलिए ये पूरा वीडियो दोस्तों इसीलिए है कि आप कभी भी, जब भी आप अपने कंप्यूटर पर सेटिंग करना चाहे तो इस तरह सेटिंग कर लें और आसानी से पेमेंट कर सकें, ठीक है, वेंडर को भी अप्रूव कर सकें और पेमेंट वाउचर भी बना सकें और उस पर जो है डीएससी से अपना पेमेंट कर सकें। तो दोस्तों इसी प्रकार हर अपडेट से अवगत होने के लिए और हर छोटी बड़ी से बड़ी बात जानने के लिए समझने के लिए आप मेरे साथ बने जो रही, आपको पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों यदि आप स्वेच्छा से कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन से कर सकते हैं, सुपर थैंक्स से भी आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।